हिसार के से हमारे साथ हरबंस लाल जी, स्वागत है आपका। हरबंस जी, जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर, आपसे वादा किया था हकीम साहब से बात कराएंगे, बात कर लीजिए। जी बड़ा मन खुश हुआ जी। आपका जी स्वागत है, बताइए क्या हाँ जी हकीम साहब जी, किस। वालेकुम सलाम। सलाम जय हिंद, स्वागत अलैकुम स्वागत आपका। सर जी, बड़ी तमन्ना थी आपसे मिलने की, तो कल मैडम का फोन आया था कि आप जरूर करवाएंगे। मैं कहा जी बड़ी मेहरबानी आपकी। कैसी ऐसा तबीयत सर जी, मैं 1.5 साल से आपका इलाज कर रहा हूँ। इलाज मेरा सिर्फ आपके टीवी पे बैठ के देखने का ही है जी। मेरा मैंने आज तक कोई बात नहीं हुई आपसे मेरी। जैसे है? भी आपने किसी हम उम्र से, जैसे मेरी 75 साल की उम्र है, आपने किसी 74-75 साल की उम्र को इलाज बताया, जैसे उसने बताया जी मेरे कमर में दर्द है, तो वही कमर दर्द मेरा था। जैसे आपने उनको इलाज दिया, वही इलाज मैं करता रहा आपके टीवी देख देख के। तो जी सर जी जी मैं बिल्कुल ओके हूँ, कोई अरे वाह दिक्कत नहीं। आप मेरे को सिर्फ परेशानी यही है कि अब एक तो कमजोरी है मेरे से थोड़ी, बाकी थोड़ी कब्ज सी है। रात को सोता हूँ, सुबह उठा नहीं जाता एकदम से। बाकी मेरा खाना पीना सब ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं है मेरे को सर जी। अब आप मेरे को ऐसा बताओ कि मेरी जो है थोड़ी कमजोरी जो है वो दूर हो जाए, उसमें क्या करूं मैं। हाँ देखिए, बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात हो गई। और यही होता है कि क्योंकि हम एक एक घंटे के 3-4 प्रोग्राम करते हैं रोज़ाना, और उसमें हम एक प्रोग्राम में 20-25 लोगों के सवालों के जवाब दे पाते हैं। ये हमारी मजबूरी है, और ज़्यादातर पेशेंट किसी और का ही इलाज सुनकर हमसे अपना इलाज शुरू कर लेते हैं और आप ही की तरह ठीक हो जाते हैं। तो भगवान की बड़ी दया आप पर भी और मुझ पर भी, कि बगैर मुझसे बात हुए उसने आप जैसे इंसान को फ़ायदा दिया, और जो बाकी बची है बीमारी उसमें भी फ़ायदा होना मुमकिन है। बस थोड़ा सब्र जो है वो ज़रूरी है। आपको पता है आयुर्वेद यूनानी में एक तो असली दवा मिलनी चाहिए, फिर इलाज करने वाले की नीयत ठीक होनी चाहिए, और इलाज कराने वाले का भरोसा ठीक होना चाहिए। आपने भरोसा किया और भगवान ने ही आपको फ़ायदा दिया, हम दोनों मिलकर उसका शुक्र अदा करेंगे। और देखिए, इस उम्र में जितना ख्याल आप खुद अपना रख सकते हैं उतने ही स्वस्थ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं भी बड़ी उम्र का इंसान हूँ और अपना ख्याल खुद रखता हूँ, ये नहीं कि मुझसे कोई कहे कि ये कर लो वो कर लो। और जानकारी मैं आप तक पहुँचाता हूँ, मेरी जितनी जानकारी है मैं आप तक जब तक भी कार्यक्रम करूँगा आप तक पहुँचाता ही रहूँगा। तो जानकारी का बंटवारा मैं आपसे कर लेता हूँ, शेयर कर लेता हूँ, और उसके हिसाब से आप अपना इलाज किया करिए। सौंफ खाया करें खाने के बाद 1-2 चम्मच। अगर इस उम्र में दांतों की परेशानी है तो सौंफ उबाल कर उसका पानी पिया करें। और वैसे तो मैं एक नुस्खा बताता हूँ, वो सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी और अलसी, मेथी का दाना, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी और अलसी, मेथी का दाना और अलसी 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना के रख लें। और नमक जैतून आता है एक असली लें, एक चुटकी पानी में मिला लें। इस पानी से ये 6 चीज़ों का पाउडर खाया करें। ये बला का मजबूत, जिस्म को बला का मजबूत बनाता है। तो ये है तो आपके घर के मसाले ही, यही तो खा के आप मजबूत रहते हैं, लेकिन इसकी ये क्वांटिटी आपको एक दवा का रूप देती है, और आपका हाजमे से लेकर आपका पेट, हाजमा और पेट से खून आना,
एसिडिटी होना, कब्ज होना, बवासीर होना और लीवर को अच्छा होना, किडनी को फ्रेश होना, दिल को अच्छा होना, ये सब चीज़ें, स्किन को अच्छा होना, नसों में मजबूती, ये एक नुस्खा 8-10 रोग दूर करता है। आप इसे लिया करें कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, पानी से ले सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रखें अपने आप को। जब तक आप स्वस्थ हैं और खाट पर नहीं हैं, जब तक आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, खूब अपना ख्याल रखें। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप पूरी तरह स्वस्थ रहें। जी, बीना जी हैं अगली कॉलर हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम जी। नमस्कार। नमस्ते सुल्तान। जय हिंद, स्वागत है आपका बीना जी। सर मैं 2-3 साल से आपकी दवा खा रही हूँ, गोन किया तो वो जो है 4 डिब्बे में खा चुकी हूँ, थोड़ा आराम से। आप 5वां डिब्बा में फिर मंगाई हूँ। और दूसरा है मैं अभी मंगाई हूँ गोन बोरिंगा अपनी बेटी के लिए, उनके थायराइड, और मेरे हस्बैंड के लिए मंगाई हूँ नमक जैतून। तो सर ये बताइए कि मतलब कैसे दिया जाए। ठीक है। अच्छा देखिए, अगर आपके आपका आप हेल्दी हैं अगर, और आपका वज़न आपके कद के अनुसार नहीं है, ज़्यादा है तो उसको कम कर लें। और फिर मैं जानता हूँ कि महिलाएं बहुत जिम्मेदारी ओढ़ के रखती हैं, और कितना ही मना कर लो वो करती ज़रूर हैं वो काम जो उन्होंने जिम्मेदारी ओढ़ रखी है। तो इलाज करें और कितना भी लंबा कर सकते हैं इसको, जब तक पूरा फ़ायदा ना हो, झाड़ू पोंछा ना करें और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें। बस ये आप पर मेरी तरफ से पाबंदी है, जब तक आप पूरी तरह अच्छे ना हो जाए। और गौन मोरिंगा किस तरह यूज़ करें, ये थायराइड के नुस्खे में अगर इस्तेमाल करना है तो 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवले आंवला सूखा हुआ और 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद, इसका पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह ही सुबह इस्तेमाल करें, वो थायराइड की जहाँ गोली खाते हैं उसके ही आसपास, और 1 चम्मच रात को सोते वक्त भी ले सकते हैं। और इसमें एक चुटकी पानी में एक चुटकी खाने का सोडा मिला लिया करें, इस पानी से खाया करें ये नुस्खा थायराइड वाले, तो बहुत फ़ायदा मुमकिन है। अपनी गोली भी अभी ना छोड़ें और धीरे धीरे थायराइड, जब आप दोबारा टेस्ट कराएंगे अपनी पुरानी रिपोर्ट रखिएगा अपने पास, तो फिर देखना आप कितना फ़र्क पड़ा और डॉक्टर को पता चलेगा, तो वो धीरे धीरे आपकी बच्ची की थायराइड की गोली कम करता जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे उनकी ये थायराइड की दवा भी छूटना मुमकिन है, लेकिन 6-7 महीने शायद लग सकते हैं। और नमक जैतून 1-1 चुटकी 2 बार पानी में मिलाकर लेना बेहतर है आपके लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संतोष जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। हकीम जी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, स्वागत संतोष जी आपका बहुत बहुत। हकीम जी मैं तो किन शब्दों में आपका गुणगान करूं, मैं हमारे घर में कई लोग गोंसिया ले रहे हैं, सबसे पहले मैंने लिया, फिर मेरे हस्बैंड ने लिया, फिर और भी मेरी बहन ने लिया, सबको आराम है। अब मैंने अभी 2-3 दिन पहले अपने बेटे के लिए पूछा, उसे भी आपने बताया, उसके लिए भी हमने ऑर्डर दे दिया है, मंगवा लिया है। ये तो एक बात मुझे ये पूछनी थी, दो पूछनी है। एक तो ये कि जो आप 5 गिलास गर्म पानी पीने के लिए कहते हैं वो गर्मियों में भी पीना चाहिए? ठीक है। और दूसरा ये है कि मेरी पोती है 22-23 साल की, तो उसका पथरी का ऑपरेशन हुआ था, तो उसका ऑपरेशन तो हो गया, उसके बाद भी उसको काफी दिन ब्लीडिंग होती रही, तो फिर उसका इलाज कराया तो अब तो वो कुछ ठीक है, लेकिन फिर दोबारा दिखाया तो डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि पथरी दोबारा बन गई है। ठीक जी।
हाँ देखिए, जिसको भी पथरी बनती है बार बार बनती है, ये बात याद रखें। और कुछ ऐसे भी नुस्खे हैं कि जो आप पथरी के लिए लेते हैं तो वो बहुत दिन तक अगर लिए जाएं तो पथरी का बनने का सिस्टम ख़त्म हो जाता है। तो वो नुस्खा मैं बताता हूँ आपको, अक्सर गूलर के पत्ते दो चार चबा के खा लें और दो चुटकी नमक जैतून दो गिलास पानी में डालें, मिला लें और ये दो नींबू निचोड़ लें उसमें और ये पिला दें रोज़ाना एक खुराक बच्ची को, रोज़ एक खुराक पिलाएं। ज़्यादातर तो इसके नतीजे ऐसे हैं कि 5 दिन में 7 दिन में 10 दिन में पथरी निकल जाती है, ऐसा मैंने अपने अनुभव में देखा है। लेकिन अगर ज़्यादा भी लेना पड़े तो ले सकते हैं। और पथरी निकल जाए तो आप गफलत ना बरतें, फिर हर महीने 5-10 खुराक उस बच्ची को दे दें ताकि वो पथरी बनने का सिस्टम ख़त्म करें। हर महीने 5-10 खुराक दे दें, ये एक ही खुराक रोज़ देनी होती है। अगर गूलर नहीं मिले तो गूलर के पत्ते नहीं मिले तो गूलर मिल जाए, उसके फल यानी गूलर का। और गूलर कहते हैं उसको जिसको बकरी बकरे बहुत शौक से खाते हैं उसका पत्ता, और इसके पत्ते पर भी फल आते हैं, ये उसकी निशानी है। और बकरी बकरा बहुत शौक से खाते हैं, सूखे गूलर बाज़ार में मिल सकते हैं। तो ये नुस्खा दें, आपके ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े, मैं दुआ भी करूँगा प्रार्थना भी करूँगा। और क्या सवाल था? 5 गिलास गर्म पानी क्या गर्मियों में भी पी सकते हैं? हाँ देखिए, गर्मी में भी पीना चाहिए, और ये मामूली सा नुस्खा है 5 गिलास गर्म पानी का, लेकिन आप यकीन करें कि ये मेरे पास पानी रखा है और गर्म है। अगर मैं इसे अभी पी लूँ तो यहाँ एसी चल रहा है और बहुत ठंडक है तो मुझे पसीने छूट जाएंगे, और ये पसीने आना इतना कीमती है इंसान के लिए, क्योंकि हमारे अब आसानियाँ बहुत हो गई, पसीने नहीं आते। जितने पसीने मुझे आधा घंटा एक्सरसाइज करने से आते उतना पसीने हमें एक गिलास गर्म पानी पीने से आ जाते हैं, सर्दी में भी आ जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कई मुल्कों में कई देशों में लोग ठंडा पानी पीते ही नहीं, ठंडे पानी का वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैंने आपसे बताया भी था कि मेरा एक दोस्त गया वहाँ जापान और उसने ठंडा पानी मांगा तो ठंडा पानी मना कर दिया, यहाँ तो ठंडा पानी नहीं मिलता। जब उसने ज़्यादा जिद की, 5-स्टार होटल में था वो, तो उसने गर्म पानी ला के रखा और उसमें 2-3 टुकड़े बर्फ़ के डाल दिए कि ये लोग ठंडा पानी। तो उन लोगों की उम्रें 95 और 100 साल होती है, और हमारे भारतवासियों की उम्र 65-70 साल बस। वहाँ बूढ़े ज़्यादा हैं, यहाँ बूढ़ा होता ही नहीं आदमी, 60-65 साल में ख़त्म हो जाता है। तो आप लगा लीजिए उनमें ये जो पानी पीने का वो, ये सब आपके जिस्म की सफाई करता है और बहुत सी बीमारियाँ होने से रोकता है जी।